तो पीएमसी घोटाले में 5000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है। मुंबई की ईओडब्ल्यू ने ये चार्जशीट दाखिल की है। पीएमसी बैंक ने करीब 4355 करोड़ रुपयों का घोटाला किया था, जिस संदर्भ में ये जो अब कार्रवाई है वो की जा रही है और काफी तेज हो चुकी है कार्रवाई। पीएमसी बैंक की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। मुंबई की ईओडब्ल्यू ने पीएमसी बैंक घोटाले में 5000 पन्नों की आखिरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, घोटाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। अब इसे यूनिट स्मॉल बैंक में विलय कर दिया गया है, जिसकी सूचना रिजर्व बैंक ने जारी कर दी है। आगे की जानकारी हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे लेते हैं। राहुल शुक्ला जी, क्या पूरी जानकारी चलकर सामने आ पा रही है? जिनीश, अगर कहें तो पीएमसी बैंक में ईओडब्ल्यू ने पूरी जो 5000 पेज के जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी गई है। अब इस पे देखना ये है कि इसमें जो इस मामलों में कितने लोगों का नाम सामने निकल के आता है, किनमें मुख्य आरोपी है, जो जिस तौर पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पीएमसी बैंक घोटाले में लोगों का पैसा अब तक नहीं मिल पाया है। लोगों ने बैंक में पैसे जमा किए थे लेकिन उन्हें आज भी लोग रोड पे है, उन्हें अपने जो पैसे थे लौट के नहीं आया है। तो ईओडब्ल्यू लगातार जो है इस पर प्रयास कर रही थी, तो इसे लेकर आज उन्होंने पूरा 5000 पन्नों की चार्जशीट डायल की है। अभी चार्जशीट के जरिए कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई होनी है। अब कोर्ट इस केस के दौरान ही अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत की खबर मिल पाएगी कि इस बैंक में किन लोगों का नाम आया था, इस घोटाले से किन किन लोग जुड़े हुए थे। अगर निकल कर सामने आता है और लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीदें है कि जरूर हमारे जिस बैंक में घोटाले हुए और जो हमारे पैसे हैं हमें फिर से उन्हें रिटर्न मिल सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल शुक्ला जी। तो पीएमसी बैंक घोटाले मामले में ये खबर, 5000 पन्नों की आखिरी चार्जशीट ईओडब्ल्यू द्वारा दाखिल कर दी गई है।